सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। आप लोगों के जुड़ने का मुझे इंतज़ार है। कुछ साथी जुड़ जाएं, फिर बातचीत शुरू की जाए, क्योंकि मुद्दा हम लोगों का है प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना। इसी संबंध में मैं आज लाइव आया हूँ आप लोगों के बीच। बहुत सारे मुद्दे पर आप लोगों से बातचीत होगी, तो आप लोग जैसे जैसे थोड़ा जुड़ते जाएं, अपने मित्रों तक शेयर कर दें, क्योंकि जो हम लोगों की आवाज़ है यहाँ लखनऊ में, आप सभी प्रशिक्षुओं तक पहुँचे। मेरा उद्देश्य है कि हम लोगों की आवाज़ जो उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी साथियों तक हम लोगों की आवाज़ पहुँचे। क्योंकि अब ये लड़ाई किसी एक व्यक्तिगत साथी की लड़ाई नहीं है, सभी मित्रों की लड़ाई है। तो कुछ साथी मतलब जुड़ जाएं, फिर बातचीत शुरू करते हैं। धीरे धीरे आप लोग जुड़ रहे हैं, तो फिर हम बातचीत को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि सभी लोगों को पता होगा, हम लोग 22 जून से यहाँ लखनऊ में डटे हुए हैं। मुद्दा केवल एक है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन तब जारी होगा जब आप लोग एकजुटता बनाएंगे। जैसे जैसे आप लोग जुड़ते जाइएगा, अपने ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा इस वीडियो को, ताकि हमारे सभी जो भी भाई बहन प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं उन तक ये सूचना पहुंच जाए। क्योंकि ये अभियान जो भी होगा, ये अंतिम अभियान होगा, महाअभियान होगा, बड़ा अभियान होगा, और सभी हमारे भाई बहनों के लिए कल्याणकारी अभियान होगा। इसलिए जितने लोग जुड़ते जाएं, अपने एक बार ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि सूचना सभी लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तैयारी सभी लोग कर रहे हैं, तो सूचना सभी लोगों तक पहुँचना चाहिए। हम लोग जो 22 तारीख से यहाँ लखनऊ में डटे हुए हैं, बस इसी वजह से डटे हुए हैं कि सरकार जल्द से जल्द, कम से कम दबाव में आए, प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करें। जिस हिसाब से एकजुटता दिखानी चाहिए, आप लोग बिल्कुल दिखा नहीं पा रहे हैं। एकजुट होना पड़ेगा, सभी लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। जब सोशल मीडिया पर आप लोग एकजुट नहीं हो सकते हैं, तो जमीनी स्तर पर कैसे हम लोग समझ लें कि आप लोग एकजुट हो पाएंगे? बड़ा सवाल है ये। अगर हम लोग जमीनी स्तर पर एकजुट हो जाएंगे, तो सरकार क्या, भाई साहब मैं बता रहा हूँ, सरकार इतनी दहशत में आ जाएगी, प्राथमिक शिक्षक भर्ती क्या सब कुछ वो जारी कर देगी। बस इसके लिए आप लोगों को एकजुटता बनानी होगी। जब तक आप लोग एकजुट नहीं होंगे, तब तक साथियों कुछ नहीं होगा। आपसे बहुत सारे मुद्दों पर आज मैं बात करूँगा, क्या रणनीति होगी, क्या क्या तैयारियाँ हैं आगे की, क्या क्या आप लोगों को करना है, ठीक है। और हम लोगों का कर्तव्य एक है, जो भी धरने की डेट होती है हम लोग उसका साथ देते हैं, ना कि कोई विरोध करते हैं, ठीक है। जुड़िए आप लोग, सारे मुद्दों पर आज बातचीत करते हैं, और आप सभी मित्रों को जो भी सूचना है सभी लोगों तक पहुंचानी होगी, क्योंकि अब ये लड़ाई अंतिम पड़ाव पर है। अगर आप लोग इस समय चुप बैठे, तो फिर हम लोग अगर शांत हो जाएंगे, तो भर्ती आनी है ठंडे बस्ते में चली जाएगी। फिर आप लोग तैयारी करते रहना, हम लोग भी तैयारी करते रहेंगे, कोई किसी से कम नहीं है तैयारी करने में। सब लोगों का लक्ष्य है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। सब लोग इस चक्कर में रहते हैं कि इसका अभियान, उसका अभियान, इसका अभियान। अरे भाई, किसी का अभियान नहीं, जो भी अभियान है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए है। अगर जो भी अभियान रखा गया है प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, हम लोगों ने उसका विरोध कभी नहीं किया है, ना करेंगे, सबका समर्थन होगा। इसी संबंध में सारे मुद्दों पर आप लोगों से आज बातचीत होगी, इसीलिए मैं आप लोगों के समक्ष आज लाइव आया हूँ। और कोई उद्देश्य नहीं है, बस एक मकसद है कि भाई सभी लोग एक बार कम से कम एकजुटता दिखा दीजिए। जो भी हमारे भाई बहन हैं, अगर आप लोग एकजुटता दिखा दिए, तो सरकार क्या, जो भी सरकार के पदाधिकारी हैं दहशत में आएंगे, और प्राथमिक शिक्षक भर्ती हम लोग लेकर रहेंगे। समझ लीजिए ये बात। अब जो भी एससीईआरटी लोग रट लगाए हैं, तो एससीईआरटी से मित्रों मैं बता दूं, कुछ विशेष होने वाला नहीं है। जो भी हमारे साथी हैं, दमदार साथी हैं, आइए आप लोग, सभी लोगों का आह्वान मैं करता हूं। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पर आज बात होगी आप लोगों के बीच, बहुत सारे टॉपिक हैं, क्योंकि अफवाहों की दुनिया है ये। लोग अफवाह उड़ाएंगे सोशल मीडिया पर, घर बैठ के चमचागिरी करेंगे, जब जमीन पर उतरने की बारी आएगी तो वही साथी आएंगे जिनके अंदर दम है, और बाकी कुछ लोगों का काम ही है इधर से उधर करना। तो हम लोग जो भी लड़ाई लड़ रहे हैं, अगर जो साथी नहीं आ पा रहे हैं, कम से कम आप लोग सोशल मीडिया पर साथ दीजिए। अरे शर्म करनी चाहिए, अब तो 20 लाख संख्या हो गई, जो आगामी भर्ती आएगी उसमें 20 लाख लोग बैठेंगे। जब एससीईआरटी पर आने की बात होती है, तो संख्या आती है 200, 250, 500।
अरे मित्रों, अगर आप लोग एकजुटता बनाएंगे तो मैं बता रहा हूँ सरकार हिल जाएगी। अगर 1,000-2,000 प्रशिक्षु धरने में आ गया तो मैं सरकार बता रहा हूँ ऐसे हिल जाएगी, कांपेगी। बस आप लोगों को एकजुटता होगी, एकजुटता बनानी होगी। और जो साथी कह रहे हैं कि धरने की क्या तिथि है, मैं सबको बता दूं कि धरने की तिथि जो निश्चित की गई है 13 जुलाई, यानी 13 जुलाई को सभी लोगों को SCRT लखनऊ सुबह 7 बजे किसी भी हर हालत में आप लोगों को पहुंचना होगा। एक बार फिर से समझ लीजिए, 13 जुलाई SCRT निषादगंज सुबह 7 बजे आप लोगों को पहुंचना होगा। किसी भी जो भी साथी मतलब अभी तक संशय में थे कि हम लोग अलग डेट रखेंगे, किसी भी प्रकार की हम लोगों ने छात्रों के साथ राजनीति नहीं की। हम लोगों का मुद्दा है शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवाना, तो इसी पर सब लोग काम कर रहे हैं। और मैं विश्वास दिलाता हूं आप लोगों को, निश्चित रूप से सरकार दहशत में आएगी। सब लोग अगर एकजुट होकर 13 जुलाई को SCRT में आएंगे, जो भी रणनीति होगी वही आप लोगों को बताई जाएगी, क्योंकि रणनीति बड़ी है, सभी लोगों तक अभी साझा कर दिया जाएगा तो मामला गड़बड़ा जाएगा। बहुत बड़ी रणनीति है और जो रणनीति हम लोगों ने बनाई है, इस बार निश्चित रूप से कुछ न कुछ सकारात्मक परिणाम आप लोगों को मिलेगा। लेकिन इसके लिए आप लोगों को अपने अपने घरों से निकलना होगा। 13 जुलाई आप लोग अपने दिमाग में भेजे में बैठा लीजिए, 13 जुलाई सुबह 7 बजे आप लोग SCRT लखनऊ निषादगंज किसी भी हालत में परिस्थिति में आप पहुंचिए। और मैं निवेदन करूंगा, जो भी साथी लखनऊ के हैं, करीब के हैं, लखनऊ के करीब के हैं, हरदोई के हैं, बाराबंकी के हैं, कानपुर के हैं, सब लोग 13 जुलाई अपने दिमाग में, दिल में, सब जगह बैठा लीजिए। 13 जुलाई ये अंतिम लड़ाई है। अगर आप लोग अब भी नहीं जागे तो हम लोग से उम्मीद आप लोग ख़त्म कर दीजिए। अगर हम लोग बैठ गए तो आप भी बैठेंगे, आप भी तैयारी करेंगे, हम लोग भी तैयारी करेंगे। हम लोगों का भी जूनियर पास है, जूनियर में हम लोगों ने फार्म भी डाला है। हम लोग 22 तारीख से यहाँ इसीलिए डटे हुए हैं कि कुछ दबाव बना के विज्ञापन जारी करवा लिया जाए। लेकिन जो कुछ चमन चूतिए हैं, बस खाली सोशल मीडिया पे उल्टा सीधा लिखेंगे एक दूसरे के खिलाफ। अरे भाई, आप लोग एकजुटता का परिचय दिखाइए। मैं बता रहा हूँ, जैसे आप लोगों को पता होगा, किसी ने कहा है तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा, आप लोगों को पता होगा किसका नारा है। तो हम लोगों का नारा ये होना चाहिए, आप लोग मुझे भीड़ दो, हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करवा के रहेंगे। सरकार में इतनी दम नहीं है कि सरकार विज्ञापन, हमसे सरकार है, सरकार से हम नहीं हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। इस बात को जब आप लोग समझ लेंगे, बड़ी संख्या में SCRT 13 जुलाई को तो बता रहे हैं सरकार दहशत में आ जाएगी। किसी भी हालत में विज्ञापन आप लोग को निश्चित रूप से जारी करके देना पड़ेगा उसे, क्योंकि अब सरकार जो है अंतिम पड़ाव पे है, सरकार के दिन अब अंतिम पड़ाव पे हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा, क्योंकि अब मुश्किल से 5-6 महीने का समय बचा है, यही संघर्ष का समय है। मैं अब भी बता दे रहा हूँ, अगर आप लोग अब सोते रहे तो आप लोग हमेशा सोते रहेंगे। अगली सरकार पता नहीं किसकी बनेगी, अब जब सरकार दूसरी बनेगी या तीसरी बनेगी तब दो से तीन साल के अंदर भर्ती आएगी। आप लोग इस बात को समझिए, जब आप लोग इस बात को समझेंगे तो विज्ञापन बता रहे ना, तुरंत जारी होगा। जो अभियान हम लोगों ने रणनीति बनाई है उस पर सब लोगों को एकजुट होना होगा। कुछ लोग एक दूसरे का विरोध करते हैं, तो ये समय विरोध करने का बिल्कुल भी नहीं है। सबसे पहला काम, विरोध तो बिल्कुल छोड़ दीजिए आप लोग, किसी का विरोध नहीं। 13 जुलाई मतलब 13 जुलाई जो भी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए तिथि होगी जारी, कोई भी करेगा, सब लोगों का दायित्व ये बनना चाहिए कि इसका अभियान उसका अभियान बिल्कुल भी नहीं। आप लोग आइए 13 जुलाई को, आप सभी का अभियान है 13 जुलाई को। आप मेरा अभियान नहीं है और किसी का अभियान नहीं है, ये आप सभी आम प्रशिक्षुओं का अभियान है। जब तक आप लोग मैदान में नहीं आएंगे, इसका अभियान उसका अभियान करने वाला।
आप सभी साथियों को, जैसे हमारे बीच आकाश द्विवेदी कानपुर से मेरा भाई लगा हुआ है, बिल्कुल दहाड़ता रहता है शेर के तरीके, बब्बर शेर के तरीके, तो सब लोग जैसे विकास भाई और सभी साथी जो भी हैं यहाँ कानपुर, यहाँ लखनऊ में हमारे साथ डटे हुए हैं, शिवम श्रीवास्तव भाई, बिल्कुल से बब्बर शेर के तरीके से हम लोग काम करते रहते हैं कि बस विज्ञापन जारी करवा ले किसी भी तरीके से। और अमित भाई, सभी लोग, इतने ऐसे साथी हैं, अर्पित मिश्रा, हम लोगों के बीच लगातार जब से हम लोग लखनऊ आए हैं हर एक रणनीति में जुड़ रहे हैं कि इसलिए कि सरकार विज्ञापन जारी कर दे। कुछ साथी ऐसे हैं, कम से कम 200-300 लोगों के मैसेज मुझे कल से परसों से प्राप्त हुए हैं कि भैया प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आने की वजह से हम लोगों की शादी रुकी हुई है। अब सोचिए, अगर आप लोग अपने लिए नहीं निकल पा रहे हैं तो उन लोगों के लिए कम से कम निकलिए जिनकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आने की वजह से शादियां तक रुकी हुई हैं। इस बात को आप लोगों को समझना होगा। अपने लिए आप लोग आगे आइए, किसी और के लिए ना आगे आइए। मंजुल भाई भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं, बहुत संघर्षशील साथी हैं हमारे बैच के, और जब सभी लोग एकजुटता बनाएंगे, मित्रों में 22 तारीख से यहाँ चिल्लाते चिल्लाते मेरा गला खराब हो गया है सीआरटी पर। संख्या बल मेन जो मुद्दा है, संख्या बल पर डिपेंड करेगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन। आप लोग भारी संख्या में अगर लखनऊ कूच करेंगे तो बता रहे हैं सरकार डगमगाएगी, ठीक है, सरकार निश्चित रूप से डगमगाएगी। कई ऐसे साथी हैं जो यहाँ पर लगातार लखनऊ में डटे हुए हैं, हम लोगों के साथ लगातार कार्य कर रहे हैं। हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया आप लोगों के लिए बता रहा हूँ। सबसे पहले जो उप मुख्यमंत्री हैं माननीय दिनेश शर्मा जी से हम लोगों ने मुलाकात की, उनके संज्ञान में बात डाली। उसके बाद शिक्षा मंत्री जी से मुलाकात की, उनके संज्ञान में बात डाली। उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष माननीय स्वतंत्र देव सिंह से मुलाकात की, उनके संज्ञान में बात डाली कि हम लोगों का विज्ञापन हर हालत में जारी होना चाहिए। अब रही बात मीडिया बंधुओं की, तो मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ 13 जुलाई को इतना बड़ा समझ लीजिए कोहराम होगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, तो हर एक मीडिया आप लोगों के साथ खड़ी होगी। 13 जुलाई जो भी हमारे भाई बहन लाइव देख रहे हैं, अपने सभी भाई बहनों तक इस सूचना को पहुंचा दीजिएगा कि 13 जुलाई आप लोग किसी भी हालत में आगे आएं। हमारे बीच मंदिर सर भी जुड़े हुए हैं कानपुर से, सर का बहुत बहुत सपोर्ट रहता है हम लोगों के लिए। आप लोग इस बात को समझिए, जब तक सब लोग हमारे जो भी भाई बहन हैं, आम प्रशिक्षु, कोई नेता नगरी वहां बिल्कुल भी नहीं आएगी, 13 जुलाई आप लोग एक नारा बना लीजिए, 13 जुलाई 13 सुरूर, समझ लीजिए 13 जुलाई 13 सुरूर एक नारा बना के 13 जुलाई को लखनऊ कूच करिए। और विज्ञापन सरकार निश्चित रूप से जारी करेगी, ऐसा नहीं है कि सरकार को हम लोग कान में बात डाल दें बड़े माध्यम से, क्योंकि बड़ी बड़ी मीडिया 13 जुलाई को हम लोगों के समर्थन में रहेगी, मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन इसके लिए जनसंख्या होनी चाहिए, आप लोगों को एकत्र होना पड़ेगा, ठीक है। कुछ साथी मतलब इतने परेशान हैं, मैं बता दूं भाइयों, मैं बता नहीं सकता हूं, उनके ऐसे ऐसे मैसेज आते हैं, अपना दर्द बांटते हैं कि शादी रुकी हुई है। सोचिए आप, सबसे बड़ी मतलब कुछ लोगों को, जो भी हमारी भाई भाई हैं, बहनें हैं, कई लोग ऐसे हैं मैसेज करते हैं कि भैया ऐसी ऐसी स्थिति है। अब मेरा उद्देश्य है मित्रों कि आप लोग 13 जुलाई आइए। अभी तक आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा होगा, हम लोगों ने कितने कितने ट्विटर कैंपेन जो है इंटरनेशनल ट्रेंड करवाए यूपीपीआरटी के लिए। हम लोगों का मकसद एक है, बस शिक्षक भर्ती आए, साम दाम दंड भेद, चाहे जैसे जो भी करना पड़े उसके लिए हम लोग कार्य करेंगे। बस प्राथमिक शिक्षक भर्ती एक दिमाग में बैठा लीजिए, अब इतना लगाव हो गया है कि समझ लीजिए हम लोगों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से ही प्यार हो गया है, इतना लगाव हो गया, बस उसके लिए दिन रात हम लोग कार्य कर रहे हैं कि जैसे भी तैसे करके सरकार अब जारी करे विज्ञापन। अब मित्रों, सोशल मीडिया के माध्यम से जो भी मतलब
वहाँ की रणनीति आप लोगों को मतलब बताना सही नहीं है। आप लोग आइए 13 जुलाई या CRT आइए, वहीं डिसाइड किया जाएगा कि क्या क्या होगा, कैसे कैसे होगा। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ 13 जुलाई को एक बहुत ही बड़ा संग्राम होगा। आप लोग एक बात दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत लोग लगे रहते हैं कि मेरा अभियान, उसका अभियान, इसका अभियान, फलाने का अभियान, ये अपने बात दिमाग से निकालिए। जो नेता बनना है नेता बनने दो, आप लोग बस इसके लिए कार्य करो, अपने खुद के लिए आगे आओ, अपने हक के लिए आगे आओ कि किसी भी तरीके से सरकार विज्ञापन जारी करे। आप लोग अपने हक के लिए अगर लखनऊ आएंगे तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि सरकार से हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेकर रहेंगे, क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग में 1.5 लाख से ज़्यादा पद खाली हैं। और सरकार समझ रहे हैं, सरकार जो है अब 5-6 महीने बचा हुआ है, कुछ न कुछ आप लोगों के लिए करेगी। इसके लिए आप सभी लोगों को साथ देना होगा, सरकार तक अपनी बात पहुंचानी होगी। चुप बैठे रहेंगे तो चुप बैठे बैठने वालों को कुछ भी नसीब नहीं होता है। सबसे बड़ी बात यह है, आप सभी मित्रों से मेरा निवेदन है, विनम्र आग्रह है, हाथ जोड़ के निवेदन है, आप लोग अपने लिए, खुद के लिए आप लोग आगे आइए, यानी 13 जुलाई को आप लोग SCRT आइए। जो भी भाई बहन लाइव देख रहे हैं, आपके मित्र होंगे, सखी होंगे, सखा होंगे, जो भी हों, उन तक सूचना पहुंचाइए कि आपको 13 जुलाई को किसी भी हालत में लखनऊ चलना है, अगर आप प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं। कुछ लोगों के दिमाग में ये बातें चलती हैं, हाँ ये लोग संघर्ष कर रहे हैं, हम लोगों को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मित्रों, अगर आप लोग हम लोगों के साथ आ जाएंगे तो एक बड़ी संख्या हम लोगों को मजबूती देगी। कुछ लोग कह रहे हैं 13 जुलाई। मित्रों, मैं 13 जुलाई के लिए ही लाइव आया हूँ कि जो भी साथी हैं सब लोगों से निवेदन है कि 13 जुलाई को लखनऊ में आप लोग आइए और अपनी ताकत सरकार को दिखाइए, ठीक है। कुछ साथी कह रहे थे कि ट्विटर खेलने से कुछ नहीं होता है, बहुत लोगों ने आरोप भी लगाए, प्रत्यारोप लगाए हम लोगों के ऊपर, जब हम लोग कोरोना काल के समय प्राथमिक शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे थे तब उन्होंने आरोप प्रत्यारोप लगाया कि ट्विटर से कुछ नहीं होने वाला और आप लोग जमीन पर क्यों नहीं उतर रहे हैं। अब हम लोग 22 तारीख से यहाँ डटे हुए हैं, वो साथी कहाँ गए जो लोग आरोप प्रत्यारोप लगाते थे। आप लोग उनका जवाब खुद दीजिए कि आप लोग क्यों नहीं आगे आ रहे हैं। ये चीज सभी लोगों तक पहुंचाइए आप लोग, बाकी हम लोग यहां लखनऊ में तब तक डटे रहेंगे जब तक सरकार प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं कर देती। शिवम श्रीवास्तव भी जुड़े हुए हैं, ये तो एसी वाला कमरा है भैया, एसी वाला कमरा नहीं है, देखिए माथे से पसीना आ रहा है, बोलते बोलते चिल्लाते चिल्लाते गला थक मतलब खरास आ गई है, और लोग आरोप लगाते हैं कि एसी वाले कमरे से निकलते हैं, गाड़ी से घूमते। भैया अगर वो सब है तो मैं अपने पैसे से घूम रहा हूँ और किसी के पैसे से तो नहीं घूम रहा हूँ ना, ना किसी से 1 रुपये चंदा ले रहा हूँ। और बाकी रही बात एसी वाली कमरे की, ये सब आरोप प्रत्यारोप लोग लगाएंगे, जो लोग धरने में नहीं आएंगे वही लोग लगाएंगे। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए, हमारा एक दायित्व तो होना चाहिए कि हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन के लिए मिलजुल कर कार्य करें, ठीक है। इसीलिए मैं लाइव आया था आप लोगों को बताने, आप जो भी साथी हैं, जो लोग भी देख रहे हैं, अपने अपने मित्रों तक सूचना पहुंचाइए कि 13 जुलाई मतलब 13 जुलाई अंतिम वार, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 13 जुलाई को अंतिम युद्ध होने वाला है हम लोगों का सरकार से, समझ लीजिए। क्योंकि सरकार ये विज्ञापन बिल्कुल तरीके से मतलब गहरी कुंभकर्ण की नींद में सो चुकी है, आप लोग इस बात को समझिए, कुंभकर्ण की नींद में सरकार सो चुकी है। सरकार को आप लोगों को जगाना होगा भाला कोंच कोंच के, जागो, विज्ञापन जारी करो, एकजुटता दिखाएंगे मित्रों, तो एकजुटता में बहुत शक्ति होती है। मैं अकेले चिल्लाते चिल्लाते थक जाऊंगा, पुलिस उठा ले जाएगी, बंद कर देगी, छोड़ देगी, ठीक है।
उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप सभी लोग मेरे साथ खड़े रहेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर मेरे भाई खड़े रहेंगे, तो विज्ञापन निश्चित रूप से जारी होगा। जैसे कि हमारे साथी थे, आकाश भाई थे, बिल्कुल तरीके से लगे हुए थे, उनका स्वास्थ्य भी गड़बड़ाया, हमारा भी स्वास्थ्य गड़बड़ाया, उसके बावजूद भी मैं लगा हुआ हूँ, इसी आशा में लगा हुआ हूँ कि सरकार विज्ञापन जारी कर दे, किसी भी हालत में जारी कर दे। बस विज्ञापन मतलब विज्ञापन, पेपर तो बाद में भी हो जाएगा, कोई बात नहीं, विज्ञापन जारी कर दे पहले। विज्ञापन अगर जारी हो गया तो निश्चित रूप से समझ लीजिए आप लोगों का भविष्य उज्जवल होगा। भैया एसी चंदा ये सब तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं, इस पे हम लोग ध्यान विशेष नहीं देते हैं। बस हमारा उद्देश्य है कि हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए कार्य करें। जो भी हमारे भाई बहन तैयारी कर रहे हैं, कम से कम आने वाले दिनों में हम लोग अगर संघर्ष कर रहे हैं, सफलता सबको मिल जाए, बस इसी उद्देश्य से मैं यहाँ लखनऊ में बना हुआ हूँ। और हमारा जो हम लोगों की रणनीति है, ये आप लोगों का धरना है, सभी आम प्रशिक्षुओं का धरना है, ना तो मेरा धरना है, ना तो किसी और का धरना है। विनोद पटेल भाई भी जुड़े हुए हैं, शादी ही नहीं हुई क्या ऐसे सोएंगे? अब देखिए ऐसे ऐसे लोगों की शादियां भी रुकी हुई हैं, बहुत ऐसे हमारे साथी हैं जिनकी मतलब प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आने की वजह से शादी तक रुकी हुई है। अब उनके दर्द को आप लोग समझिए, अपने लिए ना सही तो उनके लिए कम से कम आगे आइए आप लोग। शिवम श्रीवास्तव जी कुछ लोगों के कमेंट ले लेते हैं फटाफट। अच्छा आप लोग बताइए 13 जुलाई मतलब तिथि सही है कि नहीं, आप लोग आने के लिए एग्री हैं कि नहीं है, एक बार कमेंट के माध्यम से आप लोग फटाफट बताइए कि 13 जुलाई आप लोग आ रहे हैं कि नहीं, SCERT आ रहे हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। अगर 13 जुलाई आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। कुछ लोगों के कमेंट भी ले लेते हैं। शिवम श्रीवास्तव कह रहे हैं मेरी भी शादी रुकी हुई है। भैया शादी रुकी हुई है, प्राथमिक शिक्षक भर्ती आएगी, आप अध्यापक बनेंगे, निश्चित रूप से आपकी शादी होगी, मैं महादेव से कामना करता हूं ऐसी। चलिए सर्वेश भाई कह रहे हैं मैं आ रहा हूं लखनऊ, बहुत सारे नेहा कह रही हैं कि अग्री, और लव पंडित कोई कह रहे हैं भैया क्या लव, बहुत कमेंट फटाफट जा रहे हैं ऊपर, तो एक बार आप लोग कमेंट के माध्यम से बता दीजिए कि आप लोग 13 जुलाई के लिए सहमत हैं कि नहीं हैं, एक बार फटाफट कमेंट के माध्यम से बताइए, देखते हैं कितने लोग 13 जुलाई के लिए सहमत हैं। मैं सहमत हूं, मेरे साथी सहमत हैं, आप लोग सहमत हैं कि नहीं हैं, आप लोग कमेंट के माध्यम से एक बार फटाफट बता दीजिए। अगर 13 जुलाई को आप लोगों को आना है तो फटाफट नीचे लिखिए 13 जुलाई मेरा सुरूर, 13 जुलाई मेरा सुरूर, 13 जुलाई मेरा सुरूर, 13 जुलाई 13 सुरूर, 13 जुलाई 13 सुरूर। सभी लोग वैसे आप लोगों को एग्री होना पड़ेगा 13 जुलाई को। देखिए बहुत साथी लिख रहे हैं कि मैं आ रहा हूं भैया, प्रदीप सरोज जी लिख रहे हैं और सुखेंद्र जी लिख रहे हैं मैं आ रहा हूं, सौरभ भाई भी लिख रहे हैं और योगेंद्र जी लिख रहे हैं आ रहे हैं, विकास कामिनी और 13 जुलाई 13 सुरूर, बहुत सही भाई, सौरभ जी लिख रहे हैं। तो आप लोगों को 13 जुलाई को निकलना होगा, ये बात अपने दिमाग में आप लोग डालिए। आकाश यादव भी लिख रहे हैं 13 जुलाई, मंजुल मयंक लिख रहे हैं जहां आप वहां हम सब, बिल्कुल मंजुल भाई, अब सभी लोगों का यह धरना है, एक नारा आप लोग बना लीजिए 13 जुलाई 13 सुरूर, 13 जुलाई 13 सुरूर, नारा बना के 13 जुलाई को लखनऊ कूद पड़िए, विज्ञापन तो सरकार जारी करेगी करेगी। एक नारा दीजिए आप लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए 13 जुलाई 13 सुरूर, प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए महाअभियान। रायबरेली से 100 लोग आएंगे, बहुत बहुत सौरभ भाई धन्यवाद, सब लोगों को लेके आइए 13 जुलाई को, मिलते हैं आप लोगों से वहीं SCERT के मैदान में सुबह 7 बजे। बहुत साथी लिख रहे हैं 13 जुलाई 13 जुलाई 13 जुलाई, आप लोग 13 जुलाई दिमाग में बैठा लीजिए, देखते हैं और कितने साथी लिख रहे हैं 13 जुलाई 13 सुरूर। अनंत बालियान भाई भी जुड़े हुए हैं हम लोगों के बीच, पश्चिम उत्तर प्रदेश से, बहुत संघर्षशील साथी हैं,
13 जुलाई भारी संख्या में मैसेज दे रहे हैं कि आप लोग आइए। प्रदीप भाई लिख रहे हैं और वैभव भार्गव जी भी लिख रहे हैं 13 जुलाई 13 सुरूर। अभिषेक भाई समय पूछ रहे हैं, समय 7 बजे आप SCIT लखनऊ में आपको आना होगा। हिमांशु सिंह लिख रहे हैं 13 जुलाई मेरा सुरूर। तो आप लोग इस दिमाग को, इस बात को अपने दिमाग में बत्ती बना के डाल लीजिए कि 13 जुलाई को किसी भी हालत में आना ही होगा, ठीक है? किसी भी हालत में आपको 13 जुलाई को आना होगा। और जो भी हमारी बहनें देख रही हैं वो लोग भी निकलें, अपने अपने घरों से निकलें, निश्चित रूप से सफलता मिलेगी। कौन लिख रहा है भाई, जब तक भर्ती नहीं आ जाती है शांत नहीं होना चाहिए। आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए और 13 जुलाई एक मतलब क्या, कौन लिख रहा है, टिकट करवा दीजिए भाई, कमेंट ऊपर चलेगी भैया। अगर जो भी है व्यक्तिगत नंबर पे संपर्क कर लीजिएगा, कुछ साथी हैं हम लोगों के साथ, तो जो भी है, अगर आप लोग अगर अपने लिए आ नहीं सकते हैं तो किसके लिए आ सकते हैं, ठीक है? आप लोग अपना अपना टिकट खुद बनवाइए, अपने 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 हक के लिए आइए। बाकी जिन लोगों को समस्याएं होंगी आने में उनका सपोर्ट किया जाएगा। भाई तुषार पूछ रहे हैं, तुषार शर्मा जी कहाँ करोगे आप SCRT लखनऊ में आइए, वहां सब निर्णय लिया जाएगा कहाँ कहाँ क्या होगा। और हाँ एक बड़ी बात है, जो भी हमारे साथी देख रहे हों इस वीडियो को, चाहे वो BTC हो, BEd हो, DLED हो, शिक्षा मित्र हो, सभी लोगों को एक साथ आना होगा, ठीक है? ये लड़ाई सबकी है, ना कि DLED की है, ना कि BTC की है, ना कि केवल BEd की है, सभी लोगों को आना होगा। सभी लोग आइए एक साथ और हम लोग भर्ती लेकर रहेंगे। विकास राजपूत लिख रहे हैं, सर मेरा कमेंट भी लो। विकास भाई आपने क्या कमेंट लिया? विकास पंकज सिंह, आपसे एक पाठक भी जुड़े हुए हैं लिख रहे हैं, सभी साथी से निवेदन है शेयर कर दीजिए। विनोद पटेल भी भाई कह रहे हैं कि सब अपने से पहुंचे, बिल्कुल सबकी यह जिम्मेदारी है, आप लोग अपने हक के लिए बिल्कुल आइए। जिसको विशेष तौर पे समस्या है उनका सपोर्ट निश्चित रूप से किया जाएगा। मयंक मिश्रा भाई लिख रहे हैं 13 जुलाई मेरा सुरूर। सब लोग एक नारा दे दीजिए, 13 जुलाई मेरा सुरूर, 13 जुलाई मेरा सुरूर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए, ठीक है? मैं शिवम तिवारी पंडित के साथ आऊंगा, मेरा खर्चा भी वही देखता है। कौन लिख रहा भाई, अरे कमेंट ऊपर चली गई। पारितोष मिश्रा जी लिख रहे हैं शिवम, बिल्कुल बिल्कुल आइए शिवम तिवारी के साथ आइए। शिवम तिवारी बिल्कुल संघर्षशील साथी हैं और हर एक धरने में उपस्थित रहते भी हैं। अब देखिए हमारे साथ जो भी इस लाइव में देख रहे होंगे, मैं मतलब मुझे उम्मीद है कम से कम 40-50 लोग ऐसे होंगे जिनकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती ना आने की वजह से शादियां भी रुकी होंगी, मुझे पूरा विश्वास है। बिल्कुल भाई सौरभ भाई बिल्कुल, टीम आप सब लोग बनाइए, आप सब लोग मतलब आगे आइए। हम लोगों के ऊपर सौरभ भाई ना छोड़िए कि टीम जिलेवार बनाइए, टीम तो बनी रही है, आप सब लोग भी मजबूती से काम करिए उसके लिए। आप लोग मतलब आगे आइए, फ्रंट पे आइए, सब लोग आइए, कोई नेता नहीं बनेगा, बस प्राथमिक शिक्षक भर्ती आनी चाहिए। सब कोचिंग के बच्चे कम से कम आ जाए तो बात बन जाएगी। बिल्कुल भाई राम भाई बिल्कुल, बातचीत की जा रही लखनऊ की जो भी कोचिंगें हैं उसमें बातचीत की जाएगी 13 तारीख के समर्थन के लिए, ठीक है? और फर्जी वीडियो बिल्कुल भी नहीं बनवाना है, जो लोग आएंगे वीडियो वही लोग बनाएंगे। 13 जुलाई को आप लोगों को घर से निकलना होगा, आप लोग 30-30 सेकंड की वीडियो बना के मेरे व्हाट्सएप नंबर 9716835455, आप लोग एक बार मेरा फिर से नंबर नोट कर लीजिए कि ये कौन लिख रहा है, ब्रजेश कुमार आपकी हो गई क्या शादी?
भैया नौकरी वोकरी लगेगी ब्रजेश जी, तभी तो शादी वादी होगी, अभी फिलहाल शादी करने का कोई इरादा नहीं है, और शादी के बारे में कोई अभी विशेष वो नहीं हमारा, बस एक उद्देश्य है शिक्षक भर्ती आ जाए, सब लोग मास्टर बन जाएं और शादी वादी के चक्कर में ना रहिए। ठीक है, आप देखिए रुचि मिश्रा भी शादी रुकी हुई है, सब लोग लिख रहे हैं शादी रुकी हुई है। ठीक है, चलिए सब लोग अध्यापक बनेंगे, सब लोगों की शादियाँ भी होंगी, और आप लोग एक नंबर मेरा नोट कर लीजिए, जो लोग भी लाइव दिख रहे हैं देख रहे हैं, 9716835455, यानी 9716835455। शिक्षक भर्ती प्रयासरत कोई हैं लिख रहे हैं जो जिंदा हैं अपने हक के लिए, 13 जुलाई को आए, बिल्कुल सही मेरे भाई। अभिषेक मिश्रा लिख रहे हैं आई लव यू भाई, बिल्कुल लव यू टू मेरे भाई। आप सभी लोगों को 13 जुलाई को अपने अपने घरों से निकलना होगा, तो मैं बात बता रहा था कि आप लोग नंबर नोट कर लीजिए, 9716835455, उस पर आप लोग अपना नाम लिखिए, अपने जिले का नाम लिखिए, और मुझे 30 सेकंड की वीडियो बना के भेजिए, जो लोग मतलब आने वाले हैं। हिमांशु सिंह लिख रहे हैं जय भर्ती, जय बंटी, जय भर्ती, बिल्कुल भाई, सब लोग एकजुटता का परिचय दीजिए, और जो मैं बता रहा हूँ नंबर नोट डाउन करिए, 9716835455, उस पर आप लोग अपना नाम लिखिए, जिले का नाम लिखिए, और 30 सेकंड की वीडियो बनाइए, 13 जुलाई मेरा सुरूर प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए आप लोग निकलें, जो भी है आप लोगों को बोलना है 30 सेकंड में बोल के मुझे व्हाट्सअप करिए, और पूरे सोशल मीडिया पर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दीजिए कि सब लोग 13 जुलाई को निकलें, और फर्जी लोग वीडियो बिल्कुल भी ना बनाएं, जो लोग धरने में आ सकें वही लोग वीडियो बनाएं। ठीक है, कम से कम पता चल सके कि हाँ एकजुटता है लोगों में। आप जो भी साथी मतलब, रुचि जी लिख रहे हैं शादी केवल लव मैरिज वालों की रुकी होगी, बिल्कुल सही रुचि जी कह रहे हैं, शादी केवल लव मैरिज वालों की रुकी हुई होगी। और मनीष प्रजापति लिख रहे हैं इस बार पहुंचो मित्रों 97,000। हाँ मित्रों बिल्कुल 97,000 आपको प्राथमिक शिक्षक भर्ती लेनी है तो निश्चित रूप से अपने अपने घरों से आप लोगों को निकलना ही होगा। और कुछ लोगों के दिमाग में आए कि हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की मांग क्यों कर रहे हैं, ये आप लोगों को पता नहीं होगा। आज इस पर भी आप लोगों को मैं बता देता हूं कि 97,000 ही शिक्षक भर्ती की हम लोग मांग क्यों कर रहे हैं। 13 जुलाई मेरा सुरूर, बिल्कुल सही हिमांशु सिंह जी। तो हम लोग 97,000 शिक्षक भर्ती की ही मांग क्यों कर रहे हैं, ठीक है, 97,000 शिक्षक भर्ती की इसलिए मांग कर रहे हैं कि आप लोग जोड़िएगा जरा, जिसके पास कैलकुलेटर हो मोबाइल हो उठा लीजिए उसको जोड़िए, फिर बताते हैं। सबसे पहले सरकार ने हलफनामा लगाया था 51,112 का, सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने 51,112 का हलफनामा लगाया था, उसको नोट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और हर साल कम से कम 15,000 शिक्षक लगभग रिटायर होते ही हैं, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, ठीक है, इस बात को नोट करिए। और 68,500 की जो हैं 22,000 सीटें रिक्त रह गई हैं, ठीक है, तो उन सबको जोड़कर 97,000 शिक्षक भर्ती की हम लोग मांग कर रहे हैं, आंकड़ा लगा सकते हैं आप लोग, जोड़ सकते हैं। तो मेरा सभी साथियों से निवेदन है कि आप लोग 13 जुलाई को 13 सुरूर करके अपने अपने घरों से निकलिए, बिल्कुल हिमांशु। मयंक भाई कह रहे हैं पोस्टर बना, मतलब बनवाइए, पोस्टर बना के तैयार है, बन के तैयार है, बहुत बड़ा पोस्टर आप लोगों को, यहाँ तो नहीं है बाहर है, नहीं तो आप लोगों को दिखाता भी पोस्टर, और सब कुछ प्रबंध कर लिया गया है, ठीक है। ये क्या लिख रहे हैं अभिषेक मिश्रा जी लिख रहे हैं मेरी भर्ती नहीं आई तो जी की शादी हो गई, ओ माय गॉड। अजीत कुमार जुड़े हैं, बंटी भाई को नमस्कार, बिल्कुल भैया को भी नमस्कार। तो
रिंकू सिंह बंटी, साथियों आप लोग अपने अपने घरों से निकलेंगे तो शिक्षक भर्ती हम लोग लेकर रहेंगे। बाकी आप सभी जिन साथियों की शादियां रुकी हुई होंगी, शादियां भी होंगी मेरे भाई, परेशान बिल्कुल हताश बिल्कुल भी नहीं होना है, धैर्य से काम लेना है। मयंक मिश्रा लिख रहे हैं 13 जुलाई को आ रहा हूँ, बिल्कुल सब लोग आइए। और जो भी है, अगर आप लोगों के पास A4 पेपर है तो उस पर आप लोग लिख के आइए, प्राथमिक योगी जी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करो, योगी जी न्याय करो। आर्यन रोली जी, आर्यन कोहली जी लिख रहे हैं बंटी भाई को नमस्कार, भैया को भी नमस्कार, और सब लोग जो हैं मिलजुल कर काम करेंगे प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। भाई साहब मैं बता दे रहा हूँ, सरकार देगी भर्ती, निराश नहीं करेगी। मुद्दा कारण समझिए, कारण क्योंकि चुनाव है, इस बात को आप लोग समझिए। और कुछ लोग लिख रहे हैं कि टेट होगा कि नहीं होगा, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं टेट पे। तो मित्रों टेट पे इस समय बातचीत चल रही है, संभवतः इसी महीने में टेट का आपको कुछ नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। इस पे चर्चा चल रही है, टेट पे चर्चा चल रही है। मेरी शादी कट गई, हिमांशु सिंह लिख रहे हैं मेरी तो शादी कट गई। मेरे भाई तैयारी करो, आपकी शादी अच्छी होगी, कट गई तो दूसरी होगी, ऐसा नहीं कि आप कुंवारे बैठेंगे, ठीक है। अमित कुमार लिख रहे हैं शेयर करें। अमित कुमार थोड़ा मुझे लग रहा है लेट से जुड़े हुए हैं, लेकिन हमारे बीच बहुत संघर्षशील साथी हैं, हमेशा कानपुर से आते रहते हैं। ब्रजेश कुमार लिख रहे हैं योगी जी भर्ती तो नहीं तो सबका शादी करवा देंगे धरने में। ऐसा कुछ नहीं है, धरने में शादी वादी नहीं, बस धरने में इसलिए आप लोग आ रहे हैं, अपने अपने हक के लिए आ रहे हैं कि आप लोग मांग करें, सरकार आप लोगों की मांग स्वीकार करे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी हो। मुद्दा अगर बड़ा ना हो, मुद्दा अगर बड़ा बना तो भर्ती जरूर आएगी। मित्रों मैं बता दे रहा हूँ मयंक भाई कि मुद्दे को बड़ा ही बनाना होगा, ये मैं अकेले नहीं कर सकता हूँ और कोई अकेला नहीं कर सकता है। ये आप लोगों का धरना है, ना मेरा धरना है, ना और किसी का धरना है, सभी लोगों का धरना है। कौन कह रहा है किसी और का धरना है, ना किसी अध्यक्ष का धरना है, ना फलाने का धरना, ना ढिमाके का धरना है, ये धरना आप सभी लोगों का है, ठीक है। आप सब लोग आइए, अपनी आवाज मंच पर बुलंद करिए, किसी का धरना नहीं है ये, कोई नाम यहां लिखने की जरूरत नहीं है, सब लोगों का धरना है, आम प्रशिक्षुओं का धरना है, इस बात को भूल जाइए, इसका धरना उसका धरना। गौरव त्रिपाठी लिख रहे हैं भाई टेट करवाओ हम लोग, भैया टेट होने ही वाला है, टेट और सीटेट जो है इसी जुलाई महीने में आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है, ठीक है। इस पर बातचीत हो रही है टेट सीटेट के लिए, इस पर आप लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। ये पुलिस प्रोटेक्शन क्या सोचा गया है सर, क्योंकि पुलिस आकर धरना तितर बितर कर देती है। पुलिस जो भी है, पुलिस से बिल्कुल डरना नहीं है, अंगद के तरीके पैर गड़ा लेना है, पुलिस बिल्कुल भी आपको टच नहीं करेगी। रुचि मिश्रा लिख रहे हैं पुलिस के बारे में क्या सोचा गया है, पुलिस के बारे में यही सोचा गया है कि आप लोगों को डरना नहीं है, जैसे अंगद ने पैर जमाया था वैसे ही आप लोगों को पैर जमा लेना है, पुलिस आपको टच तक नहीं करेगी, ठीक है। घबराने की जरूरत नहीं है, अपने हक के लिए आप लोग आगे आइए, आप लोग आतंकवादी नहीं है, अपराधी नहीं है। हम लोग टेट सीटेट पास करके बेरोजगार बैठे हैं, सरकार को ये बताना चाहते हैं, अपनी मांग के लिए आना चाहते हैं, मीडिया का पूरा सपोर्ट मिलेगा मनीष श्रीवास्तव जी, मीडिया का प्रबंध किया जा रहा है और लोगों को भी सूचित किया जाएगा, मीडिया बंधुओं को कि आप लोग समय से हाजिर रहें। अब की बार 97,000, बिल्कुल अब की बार 97,000 नारा दे कर रहना है और शिक्षक भर्ती हम लोगों को लेके रहना है। विकास लिख रहे हैं सर हम डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल विकास भाई टीम की बात जो कर रहे हैं तो जिस जिले से आप लोग हैं आप लोग खुद टीम बना सकते हैं, ठीक है। भूपेंद्र पांडे जल्दी सुपर टेट कराओ, भैया बिल्कुल सुपर टेट होगा, आप लोग आगे आइए, लखनऊ में आइए, सुपर टेट तो होगा ही होगा, उसी के लिए कार्य किया जा रहा है।
और किसी भी साथी के जो भी सवाल हैं, जो भी संशय है पूछ लीजिए। जिस साथी को मेरा नंबर पता हो नीचे कमेंट बॉक्स में नंबर मेरा टाइप कर दे, क्योंकि सभी लोगों को पता चल जाए जो भी हमारे साथी लाइव देख रहे हैं। जिस साथी को मेरा नंबर पता हो नीचे एक बार कमेंट बॉक्स में मेरा नंबर छोड़ दे। ठीक है, मीडिया सपोर्ट चाहिए भाई, मनीष श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं। बिल्कुल मनीष भाई, मीडिया का समर्थन मिलेगा, आप लोग अपने अपने घरों से निकलिए। और किसी भी साथी के कोई सवाल रह गए हो तो बताइए। शशांक भाई भी हमारे बीच जुड़े हुए हैं। मैं तो घुमाने आता हूँ और मौज लेने अच्छा मैं तो घूमने आता हूँ लिख रहे हैं, घुमाने नहीं, आंखें भी चकाचौंध हो गई हैं समझ लीजिए। बिल्कुल जो भी है अब की बार आइए आप लोग, ये सब रणनीति यहाँ पर नहीं साझा की जाएगी। क्या किया जाएगा, क्या घेराव किया जाएगा वहीं बताया जाएगा आप लोगों को। सोशल मीडिया पे ये बताने का प्लेटफॉर्म नहीं है, ठीक है। अगर हम लोग अभी से सब कुछ रणनीति साझा कर देंगे सोशल मीडिया पे तो वहाँ से सब कुछ चौकन्ने हो जाएंगे सब लोग, हम लोग अपने मिशन में फ्लॉप हो जाएंगे। हम लोगों को SCRT आना है, SCRT जो भी रणनीति होगी सभी लोगों को बताई जाएगी, और रणनीति बहुत ही बेहतर बनाई गई है, ठीक है। रणनीति जो है बहुत ही बेहतर बनाई गई है, इसके बारे में आप लोग निफिक्र रहिए। सूरज जी लिख रहे हैं कि लड़कियों की संख्या ज़्यादा होगी तो पुलिस छू भी नहीं पाएगी। बिल्कुल सही सूरज भाई, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लड़कियों को इस बात को समझना होगा। जो भी बहनें हमारी लाइव देख रही हैं अपने सभी बहनों तक ये संदेश को छोड़ देना कि आप लोगों को 13 जुलाई को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को जारी करवाने के लिए लखनऊ SCRT निषादगंज आना होगा। अनुराग ठाकुर लग रहा है लेट से जुड़े हुए हैं भाई, 13 जुलाई को लखनऊ आना है। चलिए मित्रों, ज़्यादा इस वीडियो को लंबा ना करें। जो भी साथी लाइव में जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद, और मैं निवेदन करूँगा आप लोग हम लोगों के साथ खड़े होंगे। जिन लोगों को समस्या आती है किसी भी प्रकार की, जिस भाई बहन को समस्या आती है, मेरा ऊपर नंबर मेंशन होगा और ट्विटर ID मेंशन होगी, उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई समस्या आती है उसका निदान किया जाएगा। सत्य प्रकाश यादव जी कह रहे हैं जब बोलिए तब आते हैं। बिल्कुल भाई, 13 जुलाई को सभी लोग अपने अपने हक के लिए लखनऊ आइए। पंकज जी लिख रहे हैं डेट 13 जुलाई, 13 जुलाई सुबह 7 बजे SCRT निषादगंज, ठीक है। आप लोग अपने अपने हिसाब से वीडियो बना लीजिए 30-30 सेकंड की, और मेरे नंबर पर आप लोग फॉरवर्ड करिए, देखते हैं कितने लोग आते हैं। जो लोग लाइव देख रहे हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग 30 सेकंड की वीडियो बना के भेजिए, देखते हैं आप लोग 13 जुलाई को कितने लोग घर से निकलते हैं। उसमें बोलिए कि 13 जुलाई को सब लोग अपने अपने घरों से निकलिए अपने अपने हक के लिए, ठीक है मित्रों। अब वीडियो बहुत लंबा हो रहा है, अब अपनी सभी इन सब जो भी साथी जुड़े उनका तहे दिल से धन्यवाद, और मैं अपनी वाणी को अब विराम दूंगा। सभी साथियों को नमस्कार, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय हिंद साथियों।